नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप कैप्टन वाइज अच्छी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर मेरी लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मैंने कैसे एक टीम से मैंने ड्रीम इलेवन चेंजर बन गया था। अगर आप इस तरह से जिस तरह से मैं कैप्टन वाइज और बनाता हूँ, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो 100% आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते हैं। तो सबसे दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आप ड्रीम इलेवन खेलते तो आप 200 टीम बनाते हैं, 200 टीम बनाते हैं, बट आपका कैप्टन एंड वाइज कैप्टन नहीं चलता है। बट यहां पर देख सकते हो मैंने एक टीम से मेरा कैप्टन वाइज कितना अच्छा पॉइंट दिया है और मैंने 23 पॉइंट्स मैंने नहीं जीत पाया था। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले आप देख सकते जो फर्स्ट रैंक लाया हुआ है और आप कैप्टन यहां पर देख सकते हैं, कैप्टन ने एल ब्रूस दिया था 362 पॉइंट और वाइज कैप्टन देख सकते ए पाई ने 76.5 पॉइंट दिया हुआ है। और मेरा फर्स्ट रैंक पर आप देख सकते इन्होंने 4,70,000 रुपया जीता हुआ है। और मेरी आप टीम यहां पर देख सकते, मैं आपको दिखा देता हूं, और यहां पर आप मेरा टीम देख सकते हैं जो एल ब्रूस से मेरा कैप्टन था और ए पाई मेरा वाइज कैप्टन था। बट यहां पर मेरा डिफरेंस क्या था प्लेयर में, तो प्लेयर में मैंने विकेट कीपर में मैंने एक दो लिया था, इन्होंने जो फर्स्ट रैंक लाया हुआ है और इन्होंने इस बंदा ने फर्स्ट रैंक लाया हुआ है और यहां पर देख सकते इन्होंने 4 विकेट कीपर लिया है और इसी वजह से इनका ड्रीम इलेवन चेंजर बन गया था और मेरा जो यहां पर एक ऑलराउंडर था और मेरा पॉइंट नहीं दे पाया था, इस वजह से मेरा ड्रीम इलेवन चेंजर नहीं बन पाया था। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा जीतना है, अगर आपको ऐसा टीम बनाना है तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कैप्टन वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लॉजिक यहां पर लिख रखा है, तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो आपको लॉजिक यहीं से समझना है। अभी आप देख सकते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको कैसे सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं आप लोग यही गलतियां करते हो जो आप जैसा कि आप परसेंटेज पर सेलेक्ट कर देते हो। जैसा कि मान लीजिए जॉस बटलर आज बैटिंग कर रहा है, अगर मान लीजिए आज वो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अगर उसको आप दोबारा कैप्टन बना रहे हैं हो सकता है आपका चल जाए, बट हो सकता है नहीं चले। आपको परसेंटेज पर आपको कभी कैप्टन नहीं बनाना है। आपको जो 80% 70% लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है उसको आपको अक्सर आपको कैप्टन नहीं बनाना है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बैटर बनाना चाहिए या आपको ऑलराउंडर बनाना चाहिए या आपको बॉलर बनाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको अगर आप कैप्टन वाइज बनाते हैं तो आपको दो तरह से होता है, एक तो आपको बॉलिंग होता है एक आपका बैटिंग होता है। तो अब इसमें आपको होता है बॉलिंग में आपको दो होगा, एक आपको होगा फास्टर बॉलर को बनाना चाहिए या आपको स्पिनर बॉलर को बनाना चाहिए। इधर आपको बैटिंग में जाएंगे तो आपको बैटर को बनाना चाहिए या आपको ऑलराउंडर को बनाना चाहिए, ये आपको मैं आगे नीचे ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर मेरी लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मैंने एक बैटर को बना के रखा हुआ है क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहता है हमेशा अच्छा पॉइंट देते हैं, तो मैंने इनको बना के रखा हुआ है। आपको परसेंटेज पर नहीं देखना है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पिछले मैच में उनको आपको कैप्टन बनाना है। जैसा कि आपको सबसे अधिक आपको ऑलराउंडर बैटर आपको नहीं देखना है, तो जो आपको 5% में वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है बट उसको कैप्टन कम लोगों ने बनाए रखा हुआ है उनको आप कैप्टन बना सकते हैं। अगर 10% लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आप उनको कैप्टन बना सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि उन्होंने 30% वालों को कैप्टन बना के रखा हुआ है तो चलिए मैं उनको भी बना देता हूं, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको जो आपको अकॉर्डिंग टू द पिच, यानी दोस्तों आपको पिच के हिसाब से आपको अच्छा यानी आपको क्या होता है कभी कभी बॉलिंग का पिच रहता है तो आपको बॉलर को बनाना चाहिए, अगर आपको बैटर है तो आपको बैटर को बनाना चाहिए। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो 100% आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन जाएंगे। तो ऐसा ही आपको टीम बनाना है और ऐसे ही आपको जीतना है, जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया। मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पर जैसे बैटर का ऑलराउंडर में यहाँ पर जैसे मैंने वाइस कैप्टन बना के रखा हुआ है, तो अगर आप इस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो 100% आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते हैं। तो अगर आप ड्रीम इलेवन चेंजर बनना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग विनिंग भी करते हैं और जो मैं टीम देता हूँ वो आपका ड्रीम इलेवन चेंजर भी होता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।